फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन 4 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोस मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमें क्या कहा गया है कि एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा कर दिया गया है। तो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह से एक पहली रो बनाई गई, इस तरह से ये सेकंड रो, थर्ड रो, एंड इस तरह से चलते चलते टोटल एक्स, यहां पर अगर हम देखें तो एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस वन, एंड उसके बाद ये लास्ट में एक्स रो बनाई गई है। ओके, तो ये टोटल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी बनाई गई है, एक्स रोज बनाई गई है जिसमें स्टूडेंट्स को खड़ा किया गया है। ओके, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। अब हम ये मान लेते हैं कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, वाई स्टूडेंट्स मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह से चलते चलते लास्ट में ये y नंबर का स्टूडेंट खड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एक रो में अगर y स्टूडेंट हैं और हर एक रो में इसी तरह से टोटल y स्टूडेंट्स खड़े किए गए हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू y। तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं। रोज है x एंड कॉलम्स बने हैं y। इन स्टूडेंट्स के थ्रू एक कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पर ये 1, ये पहला कॉलम क्रिएट हुआ। जहां पर ये सेकंड स्टूडेंट है, यहाँ पर इस रो का सेकंड स्टूडेंट है, यहाँ पर इस रो का सेकंड स्टूडेंट है। तो ये जो स्टूडेंट्स को अगर हम इस तरह से देखें तो कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। तो y स्टूडेंट्स से y कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। ओके, सो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, रो इंटू कॉलम। ओके, दैट मींस x इंटू y। ये x एंड y की फॉर्म में हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किया। अब हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। हर एक रो में अगर 3 स्टूडेंट्स और खड़े कर दिए जाएं, 1, 2, 3, तो अगर हम इस स्टूडेंट का नंबर डालें तो कितना होगा, y+1, y+2 and y+3। दैट मींस अब कॉलम्स कितने हो गए हैं, y+3। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 स्टूडेंट्स और खड़े कर दिए गए। हर एक रो में 3-3 स्टूडेंट्स बढ़ा लिए गए हैं। ओके, तो y से हम कहाँ पर आ गए, y+3 पर। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर देते हैं तो वहां से एक रो खत्म हो जाती है। दैट मींस इस रो में जो टोटल स्टूडेंट्स खड़े हुए थे y स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स को 3-3 करके हर एक रो में खड़ा कर दिया गया। तो यहाँ से ये एक रो खत्म हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिक्स है x इंटू y। ओके, तो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स इस रो में थे उन सभी को हटा कर इन सभी बाकी रोज में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी बची, x-1, क्योंकि ये एलिमिनेट हो गई है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में कहा नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ रोज हो जाएगा x-1, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे, y+3। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स रो एंड इस कॉलम की संख्या के हिसाब से कितने हो जाएंगे, x-1 into y+3। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो जितने पहले थे उतने ही अब हैं। दैट मींस ये जो डिजिट आएगी वो एक्स वाई के इक्वल ही होगी। ओके, तो इससे हमें ये एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी यहाँ
यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी इनको सॉल्व करने से। तो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस वाई प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स वाई, ये कैंसिल आउट हो गए। सो थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन पर। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, हर एक रो में से अगर तीन स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा। यहां से y को हटा दिया गया, y माइनस वन इससे जस्ट पहले था वो भी हटा दिया गया, y माइनस टू इससे पहले था वो भी हटा दिया गया, अब बचे कितने, y माइनस थ्री। तो यहां तक के कॉलम्स हमारे पास बचे हैं। ओके, तो कॉलम्स कितने क्रिएट हुए हैं, y माइनस थ्री। अब कह रहे हैं ये जो स्टूडेंट्स हटाए गए हैं उन्हें एक नई लाइन बनाकर खड़ा कर दिया गया है, तो एक नई रो क्रिएट हो गई है। इन्होंने कहा है कि टू रोज क्रिएट हो गई हैं, तीन तीन स्टूडेंट्स को हर एक रो में से हटाया गया, तो उन सभी के थ्रू जो दो लाइनें नई क्रिएट हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्स तो ऑलरेडी थी, पहले ही थी, क्योंकि अब हम सेकंड कंडीशन पर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन का इफेक्ट हम साइड कर देंगे। ओके, तो एक्स तो रोज थी ऑलरेडी। ओके, तो अब ये कहा गया है कि x प्लस वन एक और बन गई और x प्लस टू एक और बन गई, तो ये दो रोज और क्रिएट हो गई हैं। इन सभी रोज में कितने स्टूडेंट्स हैं, y माइनस थ्री स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पास दो कंडीशंस आई हैं। सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज x प्लस टू हो जाएंगी। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो कितने हो गए, y माइनस थ्री। पहले y थे लेकिन रो बढ़ा देने से, यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस कर देने से रो बढ़ गई हैं, तो तीन स्टूडेंट्स हटाए गए हैं तो y माइनस थ्री हो गए। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा इनके हिसाब से, x प्लस टू इंटू वाई माइनस थ्री, लेकिन ये अभी भी एक्स वाई के इक्वल ही आना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की जो नंबरिंग है वो कॉमन है, सेम है। अब इनको हम सोल्व करें, एक्स वाई टू वाई थ्री एक्स सिक्स एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, सो बचा टू वाई माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हमें मिली सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्री एक्स है, यहाँ पर माइनस थ्री एक्स है, अगर हम इन दोनों को एड कर देते हैं तो ये एक्स के वैल्यूबल कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, उससे हमें क्या मिला, माइनस वाई प्लस टू वाई दैट मीन्स वन, माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, सो वाई इक्वल्स टू नाइन। इसका मतलब हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े किए गए थे, जो शुरुआत में खड़े किए गए थे, दैट मीन्स जो हमने सबसे पहले माना था कि एक लाइन में वाई स्टूडेंट्स खड़े हैं, दैट मीन्स नाइन स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। अब हम निकालेंगे y की हेल्प से x, ओके? तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हम अगर कैलकुलेशन कर लें, तो यहाँ हमारे पास है 3x equals to 3 plus y, ओके? So x equals to 3 plus y की वैल्यू 9 upon 3, so this is 12 upon 3, that means 4, तो x की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू आई 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x into y. So, यहाँ पर अगर हम करें 4 इंटू 9 दैट मीन्स 36, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 36, ये हमें अपना आंसर मिला है। ओके, सो हम यहाँ पर फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। हमने शुरुआत में ये माना था कि x रोज बनाई गई हैं एंड हर एक रो में y स्टूडेंट्स खड़े हैं, दैट मीन्स y कॉलम्स बनाए गए हैं। ओके, फिर पहली कंडीशन में हमें कहा गया हर एक लाइन में अगर हम थ्री स्टूडेंट्स और जोड़ देते हैं, और खड़े कर देते हैं, तो कॉलम्स बढ़ गए। ओके, एंड यहाँ पर कहा गया है कि एक रो पूरी खत्म हो जाती है, तो रो क्रिएट हुई है x माइनस वन
एंड कॉलम्स बन गए y प्लस 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिली है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई के इक्वल ही रहेगी। ओके, सेकेंड कंडीशन में हमें कहा गया अगर हर एक लाइन में से जहां पर हमने y स्टूडेंट्स खड़े किए हैं उसमें से हर एक लाइन में से 3 स्टूडेंट्स हटा दिए जाए एंड उनको एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 2 क्रिएट हो जाती है लाइने और। ओके, तो 2 लाइंस और क्रिएट हुई तो रोज बढ़ गई x प्लस 2 एंड कॉलम्स घट गए हैं y माइनस 3। मल्टीप्लाई करने से ये एक्स वाई के इक्वल ही रहेगा, तो इससे हमें ये सेकंड इक्वेशन मिली। इनको सॉल्व करने से y मिला, x मिला एंड x इंटू y करने से हमें 36 ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल गए हैं। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उनसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।